आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास सिक्स का मैथ्स करेंगे। बच्चों, चैप्टर है हमारा फ्रैक्शंस, तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फ्रैक्शंस में काफी सारी चीजें हम सीख चुके हैं, बेसिक से लेके और काफी एडवांस तक हम चीजें सीख चुके हैं। जो लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि भाई फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे करेंगे, उनकी तुलना कैसे करेंगे और हम उनको सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शंस को आप कैसे लिखेंगे, ये चीज हमने सीखी थी। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम कर रहे थे, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों, फ्रैक्शन जो है उसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। आप अपनी बुक को भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए और दर्शाइए कि आप इन्हें हल कैसे किया है, और आपको बताना भी है कि हल कैसे किया है इनको। तो क्या पूछा है आपसे? पूछा गया है कि 5/9 और 4/5, मतलब 5/9 4/5 के बराबर है, ये पूछा गया है। तो आपको इनको कंपेयर करना है, इनकी तुलना करनी है, उसके बाद आपको बताना है कि क्या ये बराबर हैं या नहीं है। तो कैसे आप बता पाएंगे इनको? देखिए, पहला पार्ट हम अगर इनकी तुलना करते हैं तो कैसे कर पाएंगे? 5/9 हो गया एक तो, और दूसरा है 4/5। देखिए, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम तुलना इजीली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और तब हमें पता लगाना पड़ेगा कि भाई डिनोमिनेटर सेम कितने से मल्टीप्लाई करने पे इनके डिनोमिनेटर सेम हो सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से और फिर 5 से। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 3 × 3 × 5, मतलब 9 × 5 हो गया, और ये हो गया 45, 45। मतलब अगर डिनोमिनेटर में 45 आ जाए तो ये दोनों के डिनोमिनेटर बराबर किए जा सकते हैं। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको कितने से करना पड़ेगा, ये मुझे बताइए आप। तो 9 को कितने से मैं मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे 45 आ जाए, और सेम यहाँ पे होने वाला है कि भाई 5 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 45 आ जाए। अब अगर आपको 9 का टेबल आता है तो 9 × 5 = 45 होता है, यानी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर को भी आप 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 × 5 न्यूमरेटर में यहाँ पे 25 आ सकता है। इसी तरह 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से करेंगे, तभी तो 45 आएगा। तो न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 9 × 36। अब बताइए कि क्या ये दोनों बराबर हैं? 25/45 इज नॉट इक्वल टू 36/45। ये दोनों बराबर नहीं हैं, लिख सकते हैं, बिकॉज ये बराबर नहीं है। देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5/9 बराबर नहीं होगा 4/5 के। यही तो आपको बताना था कि क्या ये बराबर हैं? बराबर नहीं है ये। अगर बराबर होते तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता? दोनों में सेम फ्रैक्शंस आ जाते, लेकिन ये तो अलग अलग हैं, इसलिए इसको आप लिखेंगे बराबर नहीं है। इसी तरह बाकी को भी आप चेक करेंगे और बताएंगे कि क्या ये बराबर हैं या नहीं है। तो इनको कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल जैसे हमने पार्ट ए किया था वैसे ही अब पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, और जो पार्ट ए किया है उसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, बी पार्ट में भी हम कंपेयर करेंगे, इनको चेक करेंगे कि क्या ये बराबर है या नहीं है। तो कौन सी फ्रैक्शन है हमारे पास बी पार्ट में? एक तो है 9/16 और 5/9। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इनको सेम बना सकते हैं। तो कैसे? एलसीएम ले लेंगे हम 16 और 9 का,
पहले से दो से डिवाइड कर लेंगे इसको। या फिर एक और तरीका है बच्चों, एलसीएम में हम क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर देखेंगे जो कम से कम दो नंबर को एक साथ भाग कर सके। मतलब हमारे पास कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन दोनों को एक साथ भाग कर सके। अगर तीन होते हमारे पास तो आप बोल सकते थे कम से कम दो को एक साथ डिवाइड कर सके। तो अगर दो देखते हैं तो दो सिर्फ 16 को डिवाइड कर पाएगा, 9 को भाग नहीं कर पाएगा। अगर तीन देखते हैं तो तीन सिर्फ 9 को भाग कर पाएगा, 16 को नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा बाकी और कोई नंबर नहीं है जो दोनों को भाग कर पाए। इसीलिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 16 × 9 ही होगा इसका एलसीएम। तो कितना आ जाएगा ये, 144 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अगर दोनों का कोई कॉमन ऐसा नंबर नहीं है कि जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जांपल मैंने बताया था, देखिए 144 ही कैसे आएगा इसका एलसीएम, हम करके देखते हैं। दो से अगर भाग किया तो कितना आ जाएगा, ये 8, ये 9, फिर दो से करेंगे तो 4, फिर दो से भाग करेंगे तो 2, और फिर दो से करेंगे तो 1, और फिर उसके बाद इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 × 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा। अब इन सब को आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 4 × 8 × 16 आ गया, 3 × 3 9 आ गया, और ये 144 वही चीज आई है। इसीलिए आपको इतना सारा ना करना पड़े। तो कम से कम हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते वक्त ये देखेंगे कि कम से कम इन दो नंबर्स को कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिससे ये दोनों भाग हो सके। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन छोटा हो सकता है, इजी हो सकता है, तो आगे से हम वैसे भी कर सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे हमें कितने से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर 144 आ जाए। 144 आएगा तभी तो ये बराबर होंगे दोनों फ्रैक्शन। तो कितने से आप गुना करेंगे, तो 9 को अगर 16 से गुना करेंगे, यहाँ से देख के बता सकते हैं आप कि 9 को अगर 16 से गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा, और 16 को 9 से करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में भी वही चीज होगी, यहाँ डिनोमिनेटर में 16 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 9 है, तो न्यूमरेटर में भी 9 आ जाएगा। 9 × 81 और 16 × 5 = 80। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शन बराबर नहीं है, तो 81/144 बराबर नहीं है 80/144 के। तो आप बोल सकते हैं कि भाई 9/16 बराबर नहीं है 5/9 के। यही चीज तो पूछी गई थी हमसे और यही हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। इसको नोट डाउन कर लो, बाकी के क्वेश्चंस भी कुछ इसी तरह से आप यहाँ पे करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, यहाँ पे 4/5 और 16/20 है। इसको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे और बता सकते हैं कि आप यहाँ पे ये बराबर है या नहीं है, यही चीज पूछी गई है। तो 4/5 और 16/20 है, तो एक तो है 4/5 और 16/20 है। तो यहाँ पे देखो दो चीज होती है बच्चों, या तो आप इनका एलसीएम लेके और डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं और बता सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ 5 और 20 है। ठीक है, इनका आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 20 आएगा एलसीएम। कैसे, पहले 5 से भाग करेंगे, 5 × 5 = 20, और फिर 4 से भाग करेंगे तो 1 और 1, तो 5 × 4 कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब आपको डिनोमिनेटर 20 करना है। कैसे हो जाएगा, 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 20 आ जाएगा, तो न्यूमरेटर को भी 4 से करेंगे तो ये 16 आ जाना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे तो ऑलरेडी 20 है, मतलब ये तो यही रहेगा। तो देखिए ये दोनों बराबर आ गए हमारे पास, क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये बराबर हैं, हाँ ये इक्वल हैं। तो 4/5 = 16/20 ये बोल सकते हैं।
अब देखिए एक तरीका और आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते थे, और वो तरीका क्या है ध्यान से देखेंगे हम। 4/5 तो ऑलरेडी है, दूसरा है हमारे पास 16/20। अब 16/20 का हम सरलतम रूप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि 4/5 तो खुद ही सरलतम रूप है, इसको आगे आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, लेकिन 16/20 को कर सकते हैं। किससे? 2 से कैंसिल करेंगे, ये 8 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। कितना आ गया? 4/5। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों में 4/5 आ गया है ना, दोनों में 4/5 आ गया, इसलिए आप बोल सकते हैं कि 4/5 बराबर होना चाहिए 16/20 के। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि कौन सा तरीका आपको इजी लगता है। अब देखिए जो एक और क्वेश्चन है वो क्या है, 1/15 और 4/30 क्या ये बराबर हैं? तो ये भी आप कैसे चेक करेंगे, या तो इनको सरलतम रूप में एक बारी लिख लें और या फिर इनका डिनोमिनेटर सेम करके फिर चेक करें, ये आप होमवर्क में करेंगे। बिल्कुल जैसे बाकी के तीन पार्ट किए हैं उसी तरह से ये होने वाला है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, इजीली आप कर पाएंगे, इसलिए ये आपका होमवर्क होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे पहले। तो यहाँ पे है कि ईला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है, तो कुल पृष्ठ कितने हैं इस पुस्तक के? 100 पृष्ठ बोला गया है, और उसमें से कितने पढ़ रही है ये? ये 25 पृष्ठ पढ़ती है। ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है, किसने कम पढ़ा ये आपको बताना है। तो दो लड़कियां हैं यहाँ पे, ललिता और ईला, तो किसने कितना पढ़ा है ये आपके सामने यहाँ पे गिवन है फ्रैक्शंस में, आपको किसने कम पढ़ा है ये बताना है, मतलब दो भिन्नों को आपको कंपेयर करना पड़, कंपेयर करेंगे आप, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पुस्तक के कुल पृष्ठ कितने हैं, पहले तो ये लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? पुस्तक के कुल, पुस्तक के कुल पृष्ठ बोला गया है आपको, दिया हुआ है, कितना दिया है? 100 दिया है। तो अब बताइए कि ईला द्वारा पढ़ा गया पुस्तक का हिस्सा कितना होने वाला है, ईला द्वारा पढ़ा गया पुस्तक का हिस्सा तो ये बताइए कि भाई ईला ने पुस्तक का कौन सा हिस्सा पढ़ा, कितना हिस्सा पढ़ा। तो कैसे निकालते थे हम भिन्न, फ्रैक्शंस कैसे निकाली जाती थी, क्या आप याद कर पा रहे हैं कि अगर मुझे भिन्न निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? जो कुल टोटल पार्ट है, टोटल पोर्शन है, कुल हिस्सा है, वो कहाँ आएगा? वो डिनोमिनेटर में आएगा, हर में आएगा, और यहाँ पे कुल पृष्ठ 100 है, इसीलिए जो ये टोटल है ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी हर में हम इसको लिख देंगे। अब अंश में क्या लिखेंगे, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ईला की बात हो रही है, और ईला ने कितने पृष्ठ पढ़े हैं? 100 में से, कुल पृष्ठ तो 100 है, बोला गया है कुल पृष्ठ 100 है, और ईला ने 25 पृष्ठ पढ़े हैं, तो हमें ईला द्वारा पढ़ा गया हिस्सा निकालना था, तो अंश में हम क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे, क्योंकि ये 25 पृष्ठ ही तो ईला ने पढ़े हैं और ईला का ही हिस्सा हमें निकालना है, ये हो गया 25/100। तो ईला द्वारा पढ़ा गया पुस्तक का हिस्सा 25/100 हो जाता है। इसी तरह आप दूसरा निकालेंगे, दूसरी लड़की कौन है? ललिता। तो इसका तो सीधा सीधा गिवन है, दिया हुआ है कि ललिता ने पुस्तक का कितना भाग पढ़ा है, ये चीज आपको दी हुई है, तो सीधा लिख देंगे आप कि भाई ललिता ने या फिर आप लिखेंगे ललिता द्वारा पढ़ा गया पुस्तक का हिस्सा कितना होने वाला है, ये ललिता द्वारा पढ़ा गया पुस्तक का हिस्सा होने वाला है 1/2, कितना?
एक बटे दो डायरेक्ट यहां पे दिया हुआ है, यहां पे हमें कुछ नहीं निकालना। अब इसकी मदद से हम यहां पे फाइंड आउट करने वाले हैं कि इन दोनों में से किसने कम पढ़ा, यानी कि दो भिन्न हमारे पास हैं, एक 25 बटे 100 और एक 1 बटे 2। बताना है इन दोनों भिन्नों में से कौन सी भिन्न छोटी है, यही तो पूछा गया किसने कम पढ़ा, यानी दोनों भिन्नों में से कौन सी भिन्न छोटी है, ये आपको यहाँ पे पता लगाना है। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें हम क्या कर रहे थे, तुलना कर रहे थे, दो भिन्नों की हम तुलना कर रहे थे कि भाई वो दोनों भिन्न बराबर है या नहीं है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी भिन्न है, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, जो इला का हिस्सा था वो भिन्न ये हो गई 25/100 और दूसरी होगी 1/2 जो कि ललिता द्वारा पढ़ा गया था। तो क्या ये भिन्न बराबर हैं या इनमें से कौन सी छोटी है, कैसे आप इनकी तुलना करेंगे, क्या करना है, तुलना करनी है आपको, तुलना करनी है आपको। कैसे करेंगे तुलना, कंपैरिजन कैसे करेंगे दो भिन्नों में, आपको कंपैरिजन करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम, 1/2 है, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, तो अगर 2 को मैं 50 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर अंश को भी आप 50 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 50/100 आ जाएगा। अब बताइए, एक है 25/100, एक है 50/100, कौन सा ज्यादा बड़ा होगा दोनों में से, या फिर दोनों में से कौन सा छोटा होगा। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही भिन्न छोटी होगी। तो 25/100 छोटा है 50/100 से, 25/100 छोटा है 50/100 से, इसलिए आप बोल सकते हैं यहां पे कि अतः ईला ने कम पढ़ा। तो ईला ने कम पढ़ा ये हमें पता लग गया, यही तो पूछा गया था कि किसने कम पढ़ा। अब इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, और इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी अगर आपको समझ नहीं आया हो, तो अपना हैंड रेज करेंगे बच्चों अपनी सीट पे बैठे बैठे और क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं यहाँ पे, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। तो इसीलिए आप इसको नोट डाउन कर लो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लें। स्टूडेंट्स, अगर आपका नोट डाउन कर लिया है आपने, तो अपने सीट पे बैठे बैठे हैंड रेज करें। क्या आपने नोट डाउन कर लिया है, अगर कर लिया है तो हाथ खड़ा करें अपना जल्दी से। बच्चों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, जीआईसी बचुआ एंड जीआईसी निस्नी, क्या सुन पा रहे हैं मुझे आप, जीआईसी बचुआ वन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना हाथ खड़ा करें बच्चों, अपनी सीट पे बैठे बैठे अपना हाथ खड़ा करें अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। जीआईसी बचुआ वन बच्चों, जीआईसी बचुआ वन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज करें, हाथ खड़ा करें सीट पे बैठे बैठे ही वहीं। जीआईसी निस्नी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना हाथ खड़ा करें वहीं, अपनी सीट पे बैठे बैठे। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ अब आप सुन पा रहे हैं मुझे, बहुत अच्छे। तो कोई भी जीआईसी निस्नी से कोई भी एक बच्ची अपना माइक लेके एक बारी बात करे मेरे से। जीआईसी निस्नी, क्या आपके पास आपका माइक है जिससे आप बात कर सकते हैं? हेलो, हाँ अपना नाम बताएं आप। माय नेम इज सौरभ भंडारी। सौरभ भंडारी, वेरी गुड सौरभ। तो आप यहाँ पे जो समझाया जा रहा है क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा बेटा कि रेगुलर आप क्लास अटेंड करें, लेक्चर्स रेगुलर देखें, और कोई अगर आपको चीज समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ लें यहाँ पे अपना हैंड रेज करके, और जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने के लिए देता हूँ आंसर जरूर बताया करो आप। आप आंसर नहीं बताते मैं देखता हूँ, ठीक है? वेरी गुड, बैठ जाएं आप, शाबाश। तो सभी बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि जो भी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप एकदम पार्टिसिपेट करें और आंसर यहाँ पे तुरंत बताएं, तभी पता लग पाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और कोई टॉपिक आप चाहते हैं बच्चों कि यहाँ पे मैं कवर करूं तो वो टॉपिक यहाँ पे जरूर कवर करूंगा। आप घर पे जाके, आज का आपका काम यही है, घर पे जाके जितने भी चैप्टर्स हैं
उनमें से आप देखेंगे कि भाई कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, कौन सा चैप्टर आपको मुश्किल लगता है, वो कल की क्लास में आप मुझे बताएंगे आके, और फिर हम उसी टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वही टॉपिक कवर करेंगे, ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए जो टॉपिक नहीं आता है। तो आप यहाँ पे जरूर पूछे मेरे से, जो आप यहाँ पे टॉपिक कवर करना चाहते हैं जरूर बताएं, वही टॉपिक हम कवर करेंगे। फ्रैक्शंस तो हम अभी कर रहे हैं कंटिन्यू, इसको करेंगे कंटिन्यू, कोई बात नहीं, हम जो आपका टॉपिक होगा उसको भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।